कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान मजदूर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, तो वहीं मथुरा के कोसीकला में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी दौरान हजारों की संख्या में आ रहे मजदूरों को पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिसके बाद मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर प्रशासन और मजदूरों की गहमागहमी भी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी छाता जगदीश कालीरमन के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीश चंद के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभाला। उन्होंने सभी मजदूरों को एक साइड बिठाकर हर राज्य और जिले की अलग अलग टुकड़ियां बनवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शासन से इन मजदूरों के भेजने के संबंध में बात की जा रही है, जैसा ही कोई आदेश आएगा उसी के अनुसार इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। भाई जितने लोग आए हैं सबको खाने पीने की सबकी प्रॉपर व्यवस्था है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि लगभग अभी तक 1500 लोगों को हम लोगों ने खाना बांट दिया है, बच्चे और हैं सबको दे रहे हैं, आप इसको देखिए। अलग अलग जिलों के हैं और हमने SSP इनसे भी बात की है, हरियाणा साहब भी यहाँ पलवल से भी थे, कि जो जहाँ है उनको वहाँ रोके, आगे से इधर ऐसे न छोड़ा जाए, अगर कोई हो तो स्टेट लेवल पर जो चीज़ें क्या व्यवस्था हुई है जाने के लिए।